वेलकम यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग स्पिजन टफ आर्मर एयर कुशन टेक्नोलॉजी केस फॉर गैलेक्सी S8 की। अच्छा, आज जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एक और केस है जो मैंने अपने गैलेक्सी S8 के लिए मंगवाया है। मैंने जो केसेस थे जो 1500 रुपये से कम से कम की मैंने अलग वीडियो आपको अपलोड की हुई, उसमें आप सारे 7-8 केस देख सकते हैं। ये केस था, अभी आप इसमें देख रहे हैं, 1500 वाले केस में से एक मैंने एक लगाया हुआ यहाँ पे इसके साथ। सो स्कीपिंग ओवर है। हाँ, तो ये जो स्पिजन स्पिजन आई थिंक इट्स अ कोरियन कंपनी एंड दे आर नोन फॉर देयर आर्मर्ड केसेस जो आपके S8 की प्रोटेक्शन के लिए हैं। और ये आर्मर्ड केस जो है ये एयर कुशन टेक्नोलॉजी है और इट इज़ अ स्पिजन टफ आर्मर गैलेक्सी केस फॉर S8 ब्लैक कलर में, और कलर में भी आता है, पर्पल में भी है, ब्लू में भी है, गोल्डन में भी है। तो फ़ोन के हिसाब से मैं चूँकि ब्लैक फ़ोन था इसलिए मैंने फ़ोन ब्लैक मंगाया। तो ये उसकी अनबॉक्सिंग है। यहाँ पे स्टोर्स में आराम से इजीली मिलता है ये 4500-600 का। मैंने अमेजोन से मंगाया है तो मैं तकरीबन 3800-4000 का ही पड़ा है ये। तो बॉक्स को देख लेते हैं। सामने इसमें लिखा हुआ है कि जो है टफ आर्मर एयर कुशन टेक्नोलॉजी ड्रॉप टेस्टेड मिलिट्री ग्रेड, यानी इन्होंने टेस्ट करके देखा हुआ है इसमें आपका फ़ोन सेफ रहता है गिरने से। और तकरीबन जो आपका यूजेज हाइट, अगर वहाँ से फ़ोन एकदम गिरे तो एक दफ़ा बचा सकता है उसको। ये पीछे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें किक स्टैंड भी है, बाकी इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है इंग्लिश में, और इसमें डुअल लेयर प्रोटेक्शन है, एयर कुशन टेक्नोलॉजी है, मेड इन साउथ कोरिया, स्पिजन आर्मर गैलेक्सी 8 2017, ऐसी बात है अभी फ़ोन आया तो बनेगा। ये साइडों पे कुछ नहीं है, तो बस इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हाउ डज इट लुक ऑन द टेलीफोन। तो अनबॉक्सिंग के लिए इसका ये जगह है, इस टैप को आप उठाएँगे, इट ओपन्स अप एंड इनसाइड इज जस्ट अ सिंपल प्लास्टिक पैकिंग इसके अंदर है। अंदर उन्होंने इसके एक ब्रोशोर है, थोड़ा सा मैं कैमरे को डाल दूँ, इसमें लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है आपको। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, भी खास तरीका नहीं है इसका करने का, मगर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो तरीका लिखा है कि एक स्टैंड, अगर आपने डबल कवरिंग है, अगर स्टैंड निकल है तो कैसा लगाना है, तो इट्स अ गुड थिंग टू बी नोइंग। पीछे से हार्ड है और सर TPU कैसा इसलिए है कि ये दो हिस्सों में होता है। तो इसको कवर करें तो ये प्लास्टिक अलग है, ठीक है ना, और ये अलग है। तो इट्स बेटर कि आप इसको ऐसे ही लगा रहे हैं और ऐसे ही इंस्टॉल कर लें, कोई मुसीबत नहीं आती इंस्टॉल करने में। इसको ऐसे ही जुड़ा हुआ है, इस तरह इंस्टॉल करें ताकि इसका किक स्टैंड आराम से इन प्लेस रहे, इसका किक स्टैंड है। तो थोड़ा करके देखते हैं कि हाउ डज इट लुक ऑन द फ़ोन। ये मैं अपना पिछला वाला कवर उतार दूँ एंड वे जस्ट सिंपल सा है, इस गो इन फ्रॉम वन साइड एंड पुश इट फ्रॉम द अदर साइड। ये देखिए, मगर थोड़ा सा देखो मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर को ख़राब कर रहा है, इन केसेस का ये बड़ा मसला है, स्क्रीन प्रोटेक्टर खराब कर दिया, ऐसा किक स्टैंड नहीं, मैंने वापस लगा दिया। वैसे देखी जाए तो इट्स अ वेरी गुड कवर, आप यहाँ देख सकते हैं इसको कि लिप है अच्छी खासी, तो ये आपको गिरने में की मदद देता है, बीच में आपकी स्क्रीन नहीं लगती जाके उसके ऊपर, स्क्रीन है आपकी। फोकस कर ले भाई, क्या हो गया, मैं तो ये अपना फ़ोन तो उससे कर नहीं रहा, मैं अपने S7 से बना रहा हूँ, तो मैंने भाई को दे दिया था क्योंकि तो फोकसिंग का मसला हो जा रहा है अब। तो चले, क्या मसला है, ठीक है, फोकसिंग आ गई। बाकी पीछे से इतना है, लगता है इतना थोड़ा बल्की है, ऐसी बात बल्क देगा बीच में। यहाँ स्पिजन लिखा हुआ है इसके पीछे भी, जब आप खोलेंगे स्टैंड को इसके पीछे भी स्पिजन ही लिखा हुआ है। साइड पे इसके बटन्स हैं जो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है इस बटन्स के अंदर कि ये इसका वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, ये इसका वॉल्यूम। और जैसे बिग्जी बटन है वो स्ट्रेटेड है,
ताकि आपको फील हो सके कि अलेक्सा के बिक्सी बटन, बार बार लोग मसला ये होता है कि बड़ा फ़ोन दबता है बिक्सी वाला बटन जो हमारा, तो ये उससे को बेहतर करने के लिए। बाकी साइड से भी कवरेज है, कुशन है सारा, फ़ोन आपका एक दफ़ा गिरने को बर्दाश्त भी कर देगा, उल्टा फेंकेंगे तब भी ये आपका, चूँकि लिप है यहाँ पे, इधर इधर लिप है, तो ये आपके फ़ोन को बचा लेगा। तो इट वॉज इट्स अ गुड कवर, बल्कि है, और जो किक स्टैंड है इसका ये फ़ायदा है कि आप उसको यूँ रख के अपनी जब भी आपने कोई वीडियो देखनी है या कुछ और करना है, उसको स्टैंड को आप खोलें, यूँ होकर के आप उसको वीडियो देख सकते हैं। मैं खैर मैं ऐसे भी खड़ा होता था थोड़ा सा, नहीं ऐसे नहीं खड़ा होगा, सिर्फ साइड वेज खड़ा होगा यूँ करके, थोड़ा फ्लिमजी है, मगर यू कैन एटलीस्ट हैव सम गो अबाउट इट कि अगर आपने वीडियो देखनी है या कुछ और देखना है बीच में, तो इट्स अ गुड कवर। दो चार लोगों ने उसको ट्राई भी किया हुआ है कि यानी आपकी जेब की हाइट से अगर फ़ोन गिरता है तो ये बचा लेता है फ़ोन को। तो मेरा जो पिछला S7S था उसको ये मसला था कि इट जस्ट फेल ऑफ एंड उसके बाद जो है उसका जो है कवर स्क्रीन यहाँ से टूट गई थी, तो ये पे कवर इसलिए मैंने लिया। पीछे से फ़ोन वगैरह के लिए बड़ा अच्छा डेप्थ है ताकि कैमरा लेंस भी बचा रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप यूज़ करते हैं अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करना है तो वो भी आराम से आपका हाथ आ रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो ऑल एंड ऑल डजंट लुक बैड, ब्लैक के साथ ब्लैक कवर अच्छा लग रहा है। तो सो दिस वाज अनबॉक्सिंग ऑफ स्पिजन टफ आर्मर किक स्टैंड केस फॉर गैलेक्सी S8। आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।